बड़ी खबर लखनऊ से। हिंदू संगठन से जुड़े नेता कमलेश तिवारी पर जानलेवा हमला किया गया है। लखनऊ में कमलेश तिवारी को गोली मारी गई है। हिंदू महासभा के नेता हैं कमलेश तिवारी और ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से मिल रही है। गोली मारी गई है कमलेश तिवारी को। लखनऊ से बड़ी खबर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी पर हमला किया गया है, उन्हें गोली मारी गई है। लेटेस्ट क्या है, ताज़ा अपडेट क्या है, उसके लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही प्रारंभिक दौर में एक खबर जो अभी की इन्फॉर्मेशन है वही हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी को गोली मारी गई है, उन पर हमला किया गया है। कितने लोगों ने ये हमला किया, किस वक्त ये हमला हुआ, ये तमाम डिटेल्स इनका इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन लेटेस्ट आपके लिए जो हम खबर इस वक्त की जो खबर हम तक पहुंच रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में जानलेवा हमला किया गया है कमलेश तिवारी पर। हिंदू महासभा के नेता हैं कमलेश तिवारी, उन्हें गोली मारी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई है। लखनऊ में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, हिंदू महासभा के बड़े नेता हैं। ये बड़ी खबर जी न्यूज पर फिलहाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंदू महासभा के बड़े नेता कमलेश तिवारी, थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था हमला किया गया, लेटेस्ट आप तक पहुंचा रहे हैं इंफॉर्मेशन, कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई है, मौत हो गई है, उन पर गोली चलाई गई और उनकी मौत हो गई है। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कमलेश तिवारी की लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मेरे सहयोगी विशाल का रुख करते हैं। विशाल, और क्या डिटेल्स है? देखिए फिलहाल अभी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है। ये घटना तब हुई है जब कमलेश तिवारी अपने कार्यालय में मौजूद थे और तभी दो अज्ञात लोगों को वहां पहुंचकर इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और साथ ही साथ एहतियातन जो आस पास में दुकान है उसको बंद करा दिया गया है और लखनऊ के ट्रामा सेंटर पर भी काफी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ये माना जा रहा है कि उनके जानने वाले दो लोग थे जो आए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल जो CDR है जो कमलेश तिवारी के फोन की वो निकाली जा रही है और उसको पता लगाने की कोशिश जा रही है कि आखिरकार कौन से लोग थे और इसके इतिहास को माना जा रहा है कि हमलावरों से जल्द पुलिस की टीम है वो पहुंचे। लेकिन विशाल, कब ये हमला किया गया उन पर, किस वक्त? देखिए ये सही करीब 12:30 बजे के आसपास पार्टी कार्यालय पर मौजूद थे कमलेश तिवारी, तभी इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। और इस घटना में जो लोग थे बताया जा रहा है कि उनको जानते थे और उनके कार्यालय में बैठे थे और तभी घटना को अंजाम देकर फरार हुए हैं। हालांकि अभी पुलिस है वो तफ्तीश कर रही है, जो आसपास के CCTV फुटेज है वो फैलाने की कोशिश कर रही है। मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, आपके पास इस खबर को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या जानकारी है? देखिए अभी फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जो आरोपी हैं वो फरार हो चुके हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि अगर आप याद करें अब से कुछ वक्त पहले कमलेश तिवारी को लेकर के तमाम तरीके के विवाद भी खड़े हुए हैं। कमलेश तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था और ख़ासतौर से इस मामले पर किया था क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ में कुछ ऐसी बातें कही थी जिसको लेकर के कई तरीके चले गए। तो रिवाल्वर भी था और वो पॉकेट में पता नहीं क्या क्या लाया। कितने लोग थे? दो आदमी, एक भगवा पहना था, एक सादा वस्त्र पहना था। राहुल, अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है बड़ी खबर है, यूपी के लिहाज से भी बड़ी खबर है और इस तरह से गोली चलाकर गोली मारकर ये जिस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, और क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए फिलहाल अभी तक यही पता चल पा रहा है कि वो अपने कार्यालय में मौजूद थे और वहाँ पर उनको दो हमलावर बताया जा रहा है जिन्होंने गोली मारी थी। अभी इन हमलावरों के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पा रही है। पुलिस फिलहाल अभी इस वक्त इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और
पुलिस की तरफ से अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया है कि हमलावर कौन है, क्या ये अपराधी थे, किसी तरीके की साजिश या फिर किसी तरीके से कोई रंजिश थी, ये अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन इतना तय है कि कमलेश तिवारी को लेकर के 2015 से कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में वो पहली बार उनका नाम सुर्खियों में आया था। हिंदू महासभा के नेता थे और तब जब उन्होंने कई तरीके के पर्चे बांटे थे, खासतौर से मुस्लिम संप्रदाय को लेकर के और पैगंबर मोहम्मद को लेकर के जो उन्होंने बातें कही थी उसको लेकर के कई तरीके के विरोध प्रदर्शन हुए थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद में एक वक्त में हिंदू महासभा ने कहीं ना कहीं उनसे किनारा करने की कोशिश भी की थी। लेकिन उसके बाद अब अचानक उन पर इस तरीके से जानलेवा हमला करना, उनकी हत्या का मामला सामने जो आया है, कई तरीके के एंगल्स इसमें देखे जा सकते हैं। लेकिन पूरी तरीके से जो तस्वीर साफ होगी वो पुलिस के जरिए ही हो पाएगी। लेकिन इस वक्त पुलिस की पूरी कोशिश है कि पहला उन अपराधियों तक पहुंचे, दूसरा जो माहौल है उस पर खास तौर से ध्यान रखा जाए। राहुल आप रहिए हमारे साथ, अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे की कैपिटल लखनऊ से हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई है। दो लोग उनके ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में वो काम कर रहे होते हैं और उन पर गोलियां चला देते हैं। हत्या की ये बड़ी खबर देखिए, इसके बहुत सारे रिपरकशंस होंगे, बहुत बड़ा असर इसका देखने को मिलेगा और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस वक्त की ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, क्योंकि जैसा कि मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा भी आपको बता रहे थे कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपने विवादित बयान को लेकर ये सुर्खियों में थे, इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, तो असर बड़ा होगा। किस तरह का असर होगा इस पर अभी हम कयास नहीं लगाना चाहते, लेकिन राहुल सिन्हा ये बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से भी, और साथ ही जो बात हम बार बार दोहरा रहे हैं पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो उनकी पोजीशन रही है, जो उनकी गिरफ्तारी भी हुई, उस लिहाज से भी ये बड़ी खबर होगी और कहीं ना कहीं से उससे जोड़कर देखा जाएगा। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ ये देखना होगा कि क्या ये हत्या कहीं इसके तार उस विवाद से तो नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई तस्वीर साफ नहीं की गई और मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी हमें करनी भी नहीं चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि तब जब इस तरीके के मामले होते हैं तब हम लोगों को भी एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते, चूंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी, ये ध्यान रखना चाहिए कि माहौल पूरी तरीके से सही रहना चाहिए, लोगों के बीच में भी ये ठीक तरीके का मैसेज जाना चाहिए कि अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस इसके बाद तस्वीर साफ करेगी कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है, क्या ये उस कारण की वजह से है या फिर ये कोई रंजिश थी या फिर किसी तरीके की साजिश। लेकिन अभी पुलिस क्या कह रही है राहुल इस बात? देखिए फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आ रहा, सिर्फ उन्होंने इतना कहा है कि इस मामले की जांच शुरू हो चुकी है। जो हुलिया बताया गया है, जो बताया जा रहा है कि दो लोग आए थे, अपराधी आए थे और उन्होंने गोली मारी है, उनके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। तो शुरुआती स्तर पर जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा लीड अभी पुलिस के पास इस मामले में है। शुक्रिया राहुल फिलहाल इस अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर जिसका बड़ा असर हो सकता है, स्पेक्यूलेट हम करना नहीं चाहते रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म होने के नाते, लेकिन आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वो अपने कार्यालय में थे जब दो हमलावर आए, उन पर गोलियां चलाई और इस हमले में उनकी मौत हो गई।